नमस्कार। हमारी आज की कहानी सच्चा श्राद्ध एक बेटे का अपनी माँ के लिए। गाय को रोटी खिलाकर घर की तरफ आ रही थी, तभी देखा पड़ोस वाली सुमन भाभी के घर के बाहर एक सामान का ट्रक खड़ा था। सुमन भाभी का 2 साल पहले ही देहांत हो गया था। 2 लोग मिलकर सुमन भाभी के इतने संभाल कर रखे हुए सामान को बेरहमी से ट्रक में पटके जा रहे थे। मैं उन्हें पूछने वाली थी कि ये सब क्या चल रहा है, तभी मुझे उनका बेटा नजर आया। मुझे देखकर वह मेरे पास आया और नमस्ते करते हुए बोला, आंटी मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ आया हूँ तो सोचा घर की साफ सफाई करवा दूँ। मैंने थोड़ी बेरुखी दिखाते हुए कहा, बेटा पर ये सब सामान तुम्हारी माँ ने बड़े प्यार से बसाया था। उसने कहा, जी आंटी जानता हूँ। ये कहते हुए वे अपने काम में व्यस्त हो गया। मैं भी अपने घर आ गई और सोचने लगी, ये नई पीढ़ी भावनाओं का मोल बिल्कुल भी नहीं जानती। कितने मन से सुमन भाभी ने अपने हर सामान की सार संभाल किया करती थी और बेटे ने एक पल में ही कबाड़ी को दे दिया। ऊपर से श्राद्ध भी चल रहे हैं, कम से कम इस महीने तो माँ का ख्याल किया होता। सारा दिन नई पीढ़ी को कोसते कोसते निकल गया। शाम को देखा सुमन भाभी का बेटा मुस्कुराता हुआ घर आया और बोला, आंटी जल्दी से आपके हाथ की माँ जैसी चाय पिला दो, मुझे अच्छा लगेगा। उसका इस तरह से कहना, मैंने कहा, हाँ बेटा आओ चाय बनाती हूँ। चाय पीते पीते मैंने पूछा, बेटा माँ को याद करते हो? ये पूछते ही उसकी आंखें नम हो गई। वह बोला, हाँ आंटी माँ को कैसे भूल सकता हूँ। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, मैंने माँ का सारा सामान दे दिया आंटी, इसलिए आप मुझसे नाराज हो ना? मैंने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वह मेरी बात को रोकते हुए बोला, आंटी माँ को अपने सभी चीज़ों से बहुत प्यार था, पर सबसे ज़्यादा प्यार तो वो मुझसे करती थी। और आंटी सारा सामान घर में पड़ा पड़ा धूल खा रहा था, तो मैंने वो सब सामान ज़रूरतमंद लोगों में बंटवा दिया, नहीं तो वह सब सामान पड़ा पड़ा खराब हो जाता। आप तो जानती हैं माँ ने कितनी मेहनत से मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब मैं वो सब छोड़कर यहाँ तो नहीं आ सकता, पर आंटी कल माँ का श्राद्ध है और मैंने उनके लिए सब जानने वाले लोगों को घर पर बुलाया है, ताकि हम सब उनसे जुड़ी यादों को याद कर सकें और उनके बारे में बात कर सकें। आंटी माँ को बहुत अच्छा लगेगा जब सब लोग अपनी व्यस्त जिंदगी से समय निकाल कर उनके बारे में बात करेंगे, उन्हें याद करेंगे। माँ जहाँ भी होगी ये सब देखकर बहुत खुश होगी। आप ज़रूर आइएगा, मैं आपको ये कहने के लिए ही आया था। मैं एक टक उसे देख रही थी कि चाहे पीढ़ी नई हो, संस्कार तो वही सुमन भाभी के ही हैं, और शर्मिंदा भी हो रही थी अपनी नई पीढ़ी के प्रति अपनी सोच पर। मैंने कहा, बेटा जरूर आऊंगी, किसी को दिल से याद करना ही तो सच्चा श्राद्ध है। तो दोस्तों, देखा आपने कि एक लड़का अपनी माँ के लिए किस प्रकार सच्चा श्राद्ध देने अपने घर आया था। आशा करती हूँ दोस्तों ये छोटी सी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। मेरी कहानी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।